कड़वा है ना, टेस्ट करा। जो चाचू ने फ्रेश फ्रेश जूस कह के पिलाया है ना, वो इतना कड़वा था भाई, दिमाग खराब हो गया, मूड पक हो गया। आज के दिन आपका भाई इंस्टाग्राम पे वेरीफाइड हो गया है ब्लू टिक के साथ। अल्लाह को बहुत खुशियां दे, लोगों को काम आते हो। ग्रेट अचीवमेंट, इससे ज्यादा चाहिए। हेलो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग गाइस। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ। सो यार मैं तुम्हें सबसे पहले बता दूं कि आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। सीरियसली मैं इतना खुश कभी जिंदगी में नहीं हुआ हूँ। आज का दिन मेरे लिए सबसे स्पेशल दिन है, क्योंकि आज के दिन आपका भाई इंस्टाग्राम पे वेरीफाइड हो गया है ब्लू टिक के साथ। सीरियसली मुझे यकीन नहीं आ रहा। मेरी विश थी, मेरी दिली ख्वाहिश थी कि यार ब्लू टिक बस लग जाए, पता नहीं कब लगेगा, कैसे लगेगा, क्या मतलब। फॉलोअर्स भी काफ़ी हैं, 1.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं भाई, तो ब्लू टिक क्यों नहीं लग रहा। लेकिन कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, तो या मैंने किया सब्र, और जब मेरी आज आँख खुली तो इंस्टाग्राम में ब्लू टिक लगा हुआ था। थैंक यू गॉड एंड थैंक यू इंस्टाग्राम एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू गाइज फॉर लविंग एंड सपोर्टिंग मी। ये सब आप लोगों की वजह से हुआ, सो थैंक यू सो मच। बाकी आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं चाचू के घर से। यस, मैं चाचू के घर पे हूँ। तुम लोग नज़ारा देख सकते हो, कितना प्यारा खूबसूरत नज़ारा है, ग्रीनरी है। सो मैं चाचू के घर हूँ, चाचू शावर लेने गए हुए हैं अभी। तो जैसे ही वो आएंगे हम जाएंगे एक रेस्टोरेंट में। पिछला व्लॉग भी रेस्टोरेंट वाला, अगला व्लॉग भी रेस्टोरेंट वाला है। तुम लोग कह रहे हो कि खाता ही रहता है यार। सो जैसे ही चाचू आएंगे तब हम निकलेंगे यम। एक रेस्टोरेंट है, चाइनीज रेस्टोरेंट है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सी फूड्स ही मिलते हैं। एंड चाचू को पता है मुझे सी फूड्स कितने पसंद है, मैं बहुत क्रेजी हूँ सी फूड्स के लिए। सो दैट्स व्हाई चाचू ने रिकमेंड किया मुझे यम रेस्टोरेंट। एंड ही सेड कि यार तू वहाँ से खाए देना, तू सब रेस्टोरेंट्स को साइड पे कर देगा। सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, अब चाचू का वेट कर रहे हैं। जैसे चाचू आते हैं फिर हम निकलेंगे। सो हमारी प्यारी कार खड़ी है और चाचू आ गए हैं। ये चाचू नहीं है साइड पे, ये है हमारे चाचू। हाय करें व्लॉग में, चाचू आ गए हैं, अब हम निकलने लगे हैं यम की तरफ। जूस कौन कौन सा है? समीदा ग्रेप फ्रूट। ग्रेप एक कर दे, ग्रेप फ्रूट कर दे, मेरा खट्टा जरा अच्छा था बना के। और बाकी चाचू आओ, ग्रेप फ्रूट कर दे, मौसमी कर दे, छोटे गिलास दो। तो अभी जाने से पहले चाचू ने कहा कि यार एक फ्रेश जूस पी लेते हैं ताकि थोड़ी एनर्जी आ जाए। और जो सी फूड हम खाने वाले हैं आगे जाके, चाचू कह रहे हैं कि वो थोड़ा गर्म होगा, तो इससे पहले कुछ ठंडा अंदर जरा कर लें, ठीक है बॉडी के। तो चाचू ने अपना मंगवाया है जूस मौसमी का और मैंने ग्रेप फ्रूट का। इसके बाद हम जाएंगे यम, थक करते बचेंगे यम, ठीक है चाचू। भाई मेरा तो ले आओ। कैसा जूस? तेरा कैसा है? है ही नहीं मेरे पास, लेके ही नहीं आया मेरा जूस। भाई जूस ले आओ यार। भाई इज्जत ही नहीं है, आज तो वेरीफाइड भी हो गया इंस्टाग्राम पे अल्हम्दुलिल्लाह, फिर भी इज्जत नहीं है। कड़वा है ना, टेस्ट करा। बहुत गंदा कड़वा मुंह हो गया सारा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ यार, इतना कड़वा क्यों है ये?
फाइनली हम पहुंच गए हैं यम रेस्टोरेंट। चाचू के कहने पर, चाचू आपने कहा कि बहुत जबरदस्त खाना है यहाँ का, सी फूड मजा आ जाएगा। तो वाकई ये फर्स्ट टाइम में ट्राई कर रहा हूँ वैसे। लेट्स सी के सी फूड यहाँ का कैसा है। वैसे भी सी फूड्स मिलते हैं काफ़ी रेस्टोरेंट्स से, लेकिन चाचू कह रहे हैं ये वही जैसा सी फूड है जो बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी फूड प्रोवाइड करता है हमें। प्लेस तो बहुत ही प्यारी है, बहुत ही खूबसूरत है। तुम लोग देख सकते हो यहाँ का व्यू, चाचू फुल लग्जरी व्यू है यहाँ का यार, है ना, फुल बहुत ही प्यारा व्यू है, मज़ा आ रहा है। यम चाइनीज एंड थाई, स्टार्टर्स है, सूप है, पोल्ट्री है, सी फूड्स हैं, फिश है, बीफ, डक। डक खाएंगे चाचू? डक खाते हैं, मजाक कर रहा हूँ भाई। यहाँ पे क्रैब भी है, यानी कि केकड़ा, कभी क्रैब खाया नहीं है तो प्रॉन्स तो मस्ट है, प्रॉन्स तो मस्ट है, ठीक है। उसके बाद जो चाचू कहेंगे वही मंगवाएंगे। और इसके साथ चिकन मंचूरियन और मिंट मार्गरिटा भी है। बाकी चाचू पता नहीं कहाँ खोए हुए हैं। चाचू आप कहाँ खो गए हैं? तो प्रॉन्स आ चुके हैं, जंबो फ्राइड देख सकते हो। अब वो टेस्ट करते हैं। चाचू का मूड ख़राब हो गया क्योंकि चाचू ने लास्ट टाइम खाए थे प्रॉन्स मुनाल से, वो बहुत ही बकवास थे, ज़ीरो थे। तो चाचू को लग रहा है ये भी ऐसी हैं, बट अच्छी हैं ये, लेट्स ट्राई, अच्छे ही होंगे। मैं पहले ट्राई करता हूँ, अच्छे हो तो आप खाए ना, वरना रहने देना, ठीक है। एक प्रॉन हमने ख़त्म कर लिया है, बाकी ये जो प्रॉन्स हैं ये आए हैं स्टार्टर में, तो बहुत ही मजे के लग रहे हैं यार, बहुत अच्छा। A few moments later. बाकी प्रॉन फ्राइड राइस आ चुके हैं विद चिकन मंचूरियन, लोग देख सकते हो भाई क्या लुक है, बहुत प्यारी लुक है। कैसे हैं प्रॉन, है ना लेवल? तो ये हैं प्रॉन फ्राइड राइस, मजेदार। फाइनली खा के हम बाहर आ गए हैं और पैक भी करवा लिया है। अच्छा मज़ा आया, है ना, मज़ा आ गया, बस थोड़ा सा हैवी हो गया यार। यार अगर तुम लोगों को पसंद है ना सी फूड्स, तो यम आओ और यम आके तुम लोग ट्राई करो ये खाने, तुम लोग मज़ा करोगे, यू विल लव इट। क्यों चाचू? यस एब्सोल्युटली। हो गया फिर यार, लव इंशाल्लाह मिलते हैं फिर। सो अभी मैं आया हूँ आइस फूड भाई, जो चाचू ने फ्रेश फ्रेश जूस कर, तू कर ले बैग, जो चाचू ने फ्रेश फ्रेश जूस कह के पिलाया है ना, वो इतना कड़वा था भाई, दिमाग खराब हो गया, मूड फक हो गया, बिल्कुल मूड खत्म हो गया भाई। और अभी तक कड़वापन है तो मैं वो कवर करने के लिए यहाँ आया हूँ शेक पीने आइस फूड, मैंगो शेक करवाया मैंने का, ताकि मूड अच्छा हो जाए, फ्रेश हो जाए यार, बस अब वेट कर रहा हूँ। कितनी देर है यार, पता कर दो इसका, मुझे चल रही है YouTube, चल रही है YouTube, नहीं चल रही ना, इधर लेकर शाम को चलाऊंगा। चलो यार ये है रोमांस ऑफ व्लॉग्स,
मजा आएगा तुम्हें, ठीक है, और सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और फैमिली एंड फ्रेंड्स का शेयर करना है भाई, ठीक है, आगे तक पहुंचा दो इस चैनल को। कोई तरीका है भीख मांगने का? अरे आए 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 आए, शेख आ गया है, आए 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 आए, अब जाए कुछ सुकून मिला और कड़वापन थोड़ा कुछ खत्म हुआ है, फ्रेश जूस कर करके ना मूड की माँ मैंने कर दी। सो ही मैं हुआ था लेयर बेक शॉप पे, क्योंकि एक तो 1.2 मिलियन फॉलोअर्स सब्सक्राइबर कह रहा हूँ, कोई उम्मीद हो जाएंगे इंस्टाग्राम अगर तुम लोग ऐसे प्यार करते रहे तो, बाकी भी 1.2 मिलियन फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे कंप्लीट हुए हैं और वेरीफाइड टिक भी हुआ है, तो उसको हम केक बनवाते हैं। यार एक प्लेन केक चाहिए जिस पे कुछ लिखवाना है मैंने, ये वाइट ऊपर रेड चाहिए भाई, अभी हम इस पे लिखवाएंगे 1.2M साथ ब्लू टिक, 1.2M और साथ ये ऐसे, ठीक है, टिक। फाइनली हमने केक ले लिया है अपनी अचीवमेंट का, बाकी अभी सिर्फ चाचू और बाबा को पता है, घर वालों में से किसी को भी नहीं पता। अभी घर ले जाएंगे केक संभाल के और फिर उनको बताएंगे कि उनके बेटे ने क्या अचीव किया है, और रखते हैं भाई ध्यान से ताकि ख़राब ना हो जाए। सो फाइनली मैं आ गया हूँ घर, बट घर पर कोई है नहीं, ना मामा ना बाबा। सो मैंने उनको कॉल किया एंड दे सेड कि हम कुछ ही मिनट्स में, कुछ ही देर में घर आ जाएंगे उनके पास, सिर्फ बाबा और चाचू को बता और किसी को भी नहीं बता कि मेरा वेरीफाइड टिक आ गया है इंस्टाग्राम पे, प्लस 1.2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, सॉरी फॉलोअर्स हो गए हैं, बाकी केक हमारे पास है, जैसे वो आएंगे हम सब मिलके सेलिब्रेट करेंगे। ये अचीवमेंट सिर्फ मेरी नहीं है, ये आप लोगों की, ये आप लोगों की वजह से हुआ जो भी हुआ है, सिर्फ मेरा कमाल नहीं है। सो आई जस्ट वॉन्ट टू से थैंक यू सो मच फॉर लविंग एंड सपोर्टिंग मी गाइस, आई लव यू सो मच, ऐसे ही प्यार करते रहो, मैं ऐसे आप लोगों को मजेदार कंटेंट्स देता रहूंगा, बाकी उनका इंतजार करें, जैसे ही वो आते हैं हम इस माइलस्टोन को सेलिब्रेट करेंगे। फाइनली द टाइम हैज कम, मामा और बाबा आ चुके हैं, 9 बज चुके हैं, बाबा वैसे अब लेट आए हैं, मैं अब कब से वेट कर रहा था, बाकी अब आ गए हैं, अब हम केक कट करते हैं, चलो लिखवाया है हमने 1.2 मिलियन फॉलोअर्स जो कि इंस्टाग्राम पे मेरे हुए हैं, ठीक है, और साथ वेरीफाइड टिक जो कि कल रात को 4-5 बजे हुआ है, मैंने सुबह देखा है वो, बाकी अच्छी अचीवमेंट है थोड़ी वो, तो मैंने कहा ज़रा इसको ज़रा सेलिब्रेट कर लेते हैं। थैंक यू पापा, हाउ इज़ योर फीलिंग? अभी तो स्टार्ट है, स्टार्ट है भाई टुवर्ड्स द रिकॉर्डिंग, यस इंशाल्लाह। बाकी यार ऐसे ही प्यार करते रहो, तुम लोगों की वजह से 1.2 मिलियन हुए और बेनिफिट टिका है, ऐसे सपोर्ट करते रहोगे तो इंशाल्लाह एक दिन 10-20 मिलियन में मारेंगे यार, माशाल्लाह जरा दूर नहीं है वो सीन, इंशाल्लाह कर जाएंगे।
अल्लाह आपको बहुत खुशियाँ दे, हमेशा पॉजिटिव रहो और लोगों को काम आते रहो। ग्रेट अचीवमेंट, इससे ज़्यादा चाहिए इंशाल्लाह। दिस इज स्टार्टअप, ये भी शुरुआत है इंशाल्लाह। कुछ कहना चाहोगे शबी? ठीक बहुत अच्छा सर, सिर्फ यही कहेगा बहुत मुबारक हो कि 1.2 मिलियन हमारे फॉलोअर्स हो गए, अल्लाह इससे ज़्यादा रहे। और हम केक खाते रहे, हाँ हम केक खाते रहे, हाँ ये है दूसरों के लिए एक अच्छा मैसेज हो। बिल्कुल भाई, सो ये था आज का व्लॉग। यार सच बताऊँ तो मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा कि मैं वेरीफाइड हो गया हूँ इंस्टाग्राम पे। इन सब चीज़ों के लिए थैंक यू सो मच, अगर आप लोग ना दे दो मैं कसम से ना होता। और ये वेरीफाइड तो बहुत दूर की बात थी, आई कांट इमेजिन, बट ये जो भी हुआ है ये आप लोगों की वजह से हुआ है, इन सब की वजह आपको। सो यार आई लव यू हो गया दिल से, एंड आई एम फीलिंग वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू गाइज। अगर तुम लोग ना होते तो सीरियसली रोमांस तो हेल ना होता आज, एंड जो मैं 1.2 मिलियन तक पहुँचा हुई तुम लोगों की वजह से है। अगर ऐसी तुम लोग प्यार देते रहे, ऐसी तुम लोग मुझे सपोर्ट करते रहे, तो इंशाल्लाह 10-20 मिलियन फॉलोअर्स दूर नहीं है भाई। सो यार आई होप तुम लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर तुम इस चैनल पे न्यू हो एंड ये व्लॉग फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और अगर तुम लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है मेरे चैनल को तो एक प्यारा सा कमेंट और एक लाइक कर दो, एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। बाकी इसके साथ मैं भी चलता हूँ, आई विल सी यू ऑन माई नेक्स्ट व्लॉग। ख्याल रखें खुद का, अल्लाह हाफिज़।